क्या कहूँ मैं जो कह रही हूँ वो तो कोई मान नहीं रहा है। मैं कह रही हूँ कि मैं विवान के बच्चे की माँ हूँ और मेरे साइड से मैं सही हूँ और इनके साइड से ये सही है। मेरे पास 3-3 रिपोर्ट है जिससे पता लगता है कि मैं नहीं बन सकता, भी करवा सकती हूँ। लेकिन उस हिसाब से मैं तो यही मानता हूँ और मुझे सबूत भी मिल गए कि सूरज और इनके बीच में कुछ हुआ है। मतलब कोई किसी के कंधे पे सोया है, बोला है। तो कोई कैसे उसे प्रिटेंड कर सकता। तो उस वजह से मैं पूरी तरीके से अब कंफर्म हो गया हूँ कि ये बहुत गिरी हुई है, मेरी लाइन है ये। तो क्या वाकई आपको लगता है कि इमली गिरी हुई है? हाँ, मानता ही है नहीं, हाँ एक्चुअली पर मैंने बोल दिया अब तो गिरी हुई है, तो है ऐसी चीज़ें कर रही है। पति शादी होने के बाद, शादी से पहले भी था जो बच्चा मैं संभालने के लिए तैयार था, अब फिर से एक बच्चा हुआ वो भी सूरज का ही लग रहा है। तो ऑफकोर्स आई एम वेरी श्योर, मैंने तो सच्चा प्यार किया है। 10-200% श्योर कि विवान का बच्चा। लेकिन विवान तो फादर नहीं बन सकता, तो कहने का शक तो जाएगा। अब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई एम फ्रॉम माई साइड 110% श्योर कि विवान का बच्चा। तो ऐसा क्या कुछ करने की आप मतलब इनको कैसे कन्विंस करेंगे? मैं यही कन्विंस कर रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं यही करती हूँ, मेरी विश्वास करो, मेरी बात मानो, पर ये नहीं मानो। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होगा विवान। हाँ। अभी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इसको उसके बाद। बहुत कुछ। लास्टली एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि विवान को अगर ये पता चले कि वाकई हाँ उनका बच्चा है तो क्या हो? सर फोड़ के ना मर पार्टी होगी और नहीं फिर और क्या। इसको बहुत सॉरी बोलना पड़ेगा जो स्पेशल किया है मैंने, बट अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लड़की अच्छी है, संस्कारी है, तो अगर ये हो तो अच्छी बात है।